हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट क्या होता है स्टूडेंट्स? इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने आपको समझाया था कि किसी जगह का जो पिछले लगभग 25 साल का जो वेदर पैटर्न होता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। अगर हमें किसी जगह की क्लाइमेट इंफॉर्मेशन के बारे में पता है स्टूडेंट्स, तो हम ये पता कर सकते हैं कि साल के किसी समय में उस जगह का वेदर कैसा रहता है। यानी अगर हमें पिछले 25 साल का वेदर पैटर्न किसी जगह के बारे में पता है, यानी वहाँ के क्लाइमेट के बारे में अगर हमें पता है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि जनवरी के महीने में उस जगह का वेदर कैसा रहेगा, या जून के महीने में वेदर कैसा रहेगा, या दिसंबर के महीने में वेदर कैसा रहेगा। और एडेप्टेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एडेप्टेशन होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किसी जगह पे उस जगह के क्लाइमेट के अनुसार रहने के लिए खुद को एडजस्ट कर लेना, खुद को तैयार कर लेना। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि किसी जगह के क्लाइमेट के अनुसार खुद को एडजस्ट करने के लिए जो बॉडीज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसमें कुछ क्वालिटीज का होना जरूरी होता है। और ये क्वालिटीज उन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में कैसे आती हैं? ये आती है एवोल्यूशन प्रोसेस के द्वारा। और एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स, इनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं किसी जगह के क्लाइमेट के अनुसार, ताकि वो एनिमल्स उस जगह पर रहने के लायक बन सके। और जब किसी एनिमल में एवोल्यूशन होता है और उसकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं उस जगह के क्लाइमेट में रहने के अकॉर्डिंग, तब वो जानवर खुद को एडजस्ट कर लेता है उस जगह के क्लाइमेट में रहने के लिए। और इस प्रोसेस को फिर हम एडेप्टेशन कहते हैं कि उस एनिमल ने खुद को एडजस्ट कर लिया है किसी पर्टिकुलर जगह पे उसके क्लाइमेट के अनुसार। क्लाइमेट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लाइमेट का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे गहरा असर होता है। इसके बाद हमें दिया गया है, एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एनिमल्स खुद को एडजस्ट कर लेते हैं सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसी जगह की कंडीशंस के हिसाब से। इसके बाद हमसे कहा गया है, एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोसेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि एनिमल्स जो बहुत ठंडी या बहुत गर्म जगहों पर रहते हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स का होना जरूरी होता है ताकि वो खुद को बचा सकें बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी से। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। यहाँ पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि क्लास 6 में चैप्टर 9 में आपको एडेप्टेशन की डेफिनेशन बताई गई थी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी एनिमल में ऐसे फीचर्स, ऐसी क्वालिटीज या ऐसी हैबिट्स का होना जिससे कि वो किसी पर्टिकुलर जगह पे उस जगह के क्लाइमेट के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सके। और ये क्वालिटीज, ये फीचर्स, ये हैबिट्स, ये उस एनिमल में कैसे आती है? ये एक प्रोसेस के द्वारा आती है जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन एक धीमा प्रोसेस होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें धीरे धीरे एक एनिमल की बॉडी में चेंजेस आते हैं किसी पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट के अनुसार। और जब एवोल्यूशन प्रोसेस के द्वारा किसी एनिमल में ये क्वालिटीज, फीचर्स और हैबिट्स आ जाती हैं जो कि किसी जगह के क्लाइमेट के अनुसार होती है, तो वो एनिमल खुद को उस जगह के क्लाइमेट के अनुसार खुद को एडेप्ट कर लेता है और इस प्रोसेस को हम एडेप्टेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है, फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू एडेप्ट टू दियर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। यानी कि किसी जगह के क्लाइमेट के अनुसार खुद को एडेप्ट करने के लिए जो फीचर्स और हैबिट्स किसी एनिमल्स में आते हैं वो एवोल्यूशन प्रोसेस के द्वारा आते हैं। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। चैप्टर 9 में आप ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि वेदर और क्लाइमेट का सॉइल पर क्या प्रभाव पड़ता है।
Here we will study the effect of climate on animals only. इस चैप्टर में हम क्लाइमेट के एनिमल्स पर होने वाले प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे. In class 6, you have read about adaptation of animals to certain habitats. क्लास 6 में आप ये पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि किसी जगह पर रहने के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं. हैबिटेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स रहने का स्थान. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल. तो उन एनिमल्स के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल उनके लिए हैबिटेट होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. जबकि कुछ एनिमल्स डेजर्ट्स में रहते हैं तो उनके लिए वो डेजर्ट ही हैबिटेट है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पानी की भी कमी रहती है. आगे हमें दिया गया है, एज एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशंस वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर में हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो पोलर रीजन्स में रहते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, और वो एनिमल्स जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में रहते हैं. एज द नेम सजेस्ट्स द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. पोलर रीजन्स जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है ये वो स्थान होते हैं, वो जगह होती हैं जो कि पोल्स के नियर यानी पोल्स के पास पाई जाती हैं. और धरती पे दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन USA एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. यहाँ पर हमें कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं स्टूडेंट्स जो कि पोलर रीजन्स में आती हैं, जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन USA एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया. अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसी कंट्रीज के नाम दिए गए हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, कीनिया, युगांडा और नाइजीरिया में. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ऐसे फॉरेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. इसके बाद हमें एक्टिविटी 7.2 दी गई है, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, mark the polar regions in blue, similarly mark the tropical regions in red. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको एक आउटलाइन मैप लेना है वर्ल्ड का और उसमें पोलर रीजन्स को ब्लू कलर से मार्क करना है और ट्रॉपिकल रीजन्स को रेड कलर से मार्क करना है. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पोलर रीजन्स के बारे में. द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. पोलर रीजन्स का जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम होता है, यानी कि बहुत मुश्किल होता है रहने के लिए. दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. यानी कि पोलर रीजन्स बर्फ से ढके रहते हैं और साल के ज्यादातर हिस्से यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है. फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि पोलर रीजन्स में 6 महीने के लिए तो जो सन है वो सेट ही नहीं होता, यानी सूरज डूबता ही नहीं है, जबकि 6 महीने के लिए सन राइज ही नहीं होता, यानी सूरज निकलता ही नहीं है. इसके बाद हमसे कहा गया है, इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37°C. यानी विंटर के दिनों में, सर्दियों के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर -37°C तक भी पहुंच सकता है. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो एनिमल्स इन मुश्किल हालात में भी यहाँ रहते हैं उन्होंने यहाँ के सीवियर कंडीशंस यानी मुश्किल हालात के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया है. लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स. अब हम पोलर बियर्स और पेंगुइन्स के एग्जाम्पल्स के द्वारा ये समझेंगे कि पोलर रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स ने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया है वहाँ के मुश्किल हालात में रहने के लिए.
Polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. पोलर बियर्स के ऊपर सफेद रंग के बाल होते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से पोलर बियर्स को बर्फ में देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बर्फ भी सफेद रंग की होती है और पोलर बियर्स के ऊपर जो बाल है वो भी सफेद रंग के हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डियर प्रेडेटर्स। अब क्योंकि पोलर बियर्स को बर्फ में देखना आसान नहीं होता, तो इसकी वजह से पोलर बियर्स अपने आप को उन शिकारियों से, उन जानवरों से बचा पाते हैं जो कि पोलर बियर्स का शिकार करते हैं, पोलर बियर्स को मारते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। और अपनी इसी खासियत की वजह से कि पोलर बियर्स को बर्फ में देखना आसान नहीं होता, ये बड़ी आसानी से अपने शिकार के पास पहुंच जाते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर। और जबरदस्त ठंड से बचने के लिए उनके शरीर के ऊपर बालों की दो लेयर्स होती है स्टूडेंट्स। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। और इसके अलावा उनकी स्किन के अंदर फैट की भी एक लेयर होती है। और इसके बाद हमें दिया गया है, इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. यहाँ हमें दिया गया स्टूडेंट्स कि पोलर बियर्स इतने अच्छे तरीके से इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड मतलब इनके शरीर की गर्मी इनके शरीर के अंदर ही बनी रहती है, बाहर नहीं जाती। ये इतने वेल इंसुलेटेड होते हैं, यानी इतने अच्छे इंसुलेटेड होते हैं कि उनको समय समय पर रेस्ट करना पड़ता है और धीरे चलना पड़ता है कि कहीं उनके शरीर में ओवर हीटिंग ना हो जाए। अब देखिए, पोलर बियर्स ने इतनी जबरदस्त ठंडी जगह पर रहने के लिए अपने आप को इतने अच्छे से अडेप्ट कर लिया है कि इनको धीरे चलना पड़ता है और समय समय पर रेस्ट भी करना पड़ता है कि कहीं ओवर हीटिंग ना हो जाए बॉडी में। इसके बाद हमें दिया गया है, फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग। यानी कि गर्म दिनों में फिजिकल एक्टिविटीज भी जरूरी होती है कूलिंग के लिए। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। तो जब भी पोलर रीजन्स में कुछ गर्मी होती है स्टूडेंट्स, तो पोलर बियर स्विमिंग के लिए भी जाते हैं। इट इज अ गुड स्विमर। पोलर बियर्स अच्छे स्विमर होते हैं। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो। यानी कि पोलर बियर्स के जो पंजे होते हैं वो चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, जिससे उन्हें स्विमिंग में भी आसानी होती है और बर्फ पर चलने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट हमें दिया गया है, वाइल्ड स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। यानी कि स्विमिंग करते वक्त जब ये पानी के नीचे होते हैं तो पोलर बियर्स अपने नोस्ट्रिल्स को बंद कर सकते हैं और पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकते हैं। It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. यानी कि पोलर बियर्स की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे ये अपने शिकार को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। We can understand the adaptation of polar bears with the help of the flow chart shown in figure 7.3. फिगर 7.3 में हमें फ्लो चार्ट दिया गया स्टूडेंट्स, जिससे हम पोलर बियर्स की अडेप्टेशंस को अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्होंने पोलर रीजन्स में रहने के लिए किस तरीके से खुद को अडेप्ट किया है। अब देखिए, यहाँ पर हमें ये फ्लो चार्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द वाइट फर इज नॉट इजली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। पोलर बियर्स के ऊपर व्हाइट फर यानी सफेद रंग के बाल होते हैं, जिससे कि इनको बर्फ में देखना मुश्किल हो जाता है और इससे इन्हें और क्या फायदा होता है, इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। इससे इन्हें यह फायदा होता है कि पोलर बियर्स का शिकार करने वाले जानवर आसानी से पोलर बियर्स को नहीं देख पाते हैं, जिससे कि पोलर बियर्स बच जाते हैं और पोलर बियर्स बड़ी आसानी से अपने जो शिकार होते हैं, जिनका ये पोलर बियर खुद शिकार करते हैं, उनके पास ही आसानी से पहुंच जाते हैं और उनको मार सकते हैं। और यहां पर दिया गया है, इट हैज अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल। पोलर बियर्स की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, सूंघने की ताकत होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, जिससे ये अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं, दूर से ही ढूंढ लेते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। इसके बाद यह दिया गया है,
इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज। पोलर बियर के लॉन्ग कर्व्ड और शार्प पंजे होते हैं, इससे क्या मदद मिलती है इनको? दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, इससे ये बर्फ पर आसानी से चल पाते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट्स, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। पोलर बियर के स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है, इससे पोलर बियर्स को क्या फायदा होता है? द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वॉर्म। फैट से पोलर बियर्स की जो बॉडी है वो इंसुलेटेड रहती है, यानी कि पोलर बियर्स की जो हीट है, बॉडी की हीट, ये बॉडी की हीट बॉडी के अंदर ही बनी रहती है, बाहर नहीं जाती, जिससे कि इनका शरीर गर्म रहता है। और यहाँ पर हमें दिया गया है, इट हैज़ टू थिक लेयर्स ऑफ फर, यानी पोलर बियर्स के ऊपर बालों की दो मोटी परत होती है, इससे इन्हें क्या बेनिफिट होता है? दीज कीप इट वॉर्म इन कोल्ड वेदर। यानी कि बालों की दो मोटी लेयर पोलर बियर को ठंडे मौसम में भी गर्म रखती है। अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि पोलर बियर्स ने पोलर रीजन में रहने के लिए, जहाँ की बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, वहाँ पर रहने के लिए खुद को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया है। अब हमें दिया गया है, अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स इज द पेंगुइन। यानी कि पोलर रीजन में रहने वाला एक और वेल नोन एनिमल कौन सा होता है? पेंगुइन। इट इज ऑल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। इसका मतलब पेंगुइन भी व्हाइट कलर के होते हैं और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। आपको ये भी ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि जो पोलर बियर होते हैं वो पूरी तरह से व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन जो पेंगुइन होते हैं इनका फ्रंट पार्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो फ्रंट पार्ट पूरा व्हाइट होता है, जबकि बैक पार्ट इनका ब्लैक होता है। तो अगर आप पोलर बियर को फ्रंट साइड से देखते हैं तो आप इनको इजिली नहीं देख सकते, क्योंकि बर्फ का कलर भी व्हाइट होता है और ये भी फ्रंट से व्हाइट होते हैं, तो इनको बर्फ में देखना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हमें कहा गया है, इट ऑल्सो हैज अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। यानी कि पेंगुइन्स में मोटी स्किन होती है, थिक स्किन होती है और बहुत सारा फैट होता है पेंगुइन्स को ठंड से बचाने के लिए। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल टुगेदर। आपने पेंगुइन्स की पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें वो ग्रुप में नजर आते हैं। दिस दे डू टू कीप वॉर्म। पेंगुइन्स ग्रुप में इसलिए रहते हैं स्टूडेंट्स, इससे उन्हें गर्मी मिलती है। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल। आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप एक ऐसे हॉल में बैठे हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर आपको गर्मी फील होती है। यही रीजन है कि जो पेंगुइन्स है वो भी ग्रुप में रहते हैं ताकि वो गर्म रह सके। इसके बाद हमें दिया गया है, लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। यानी कि पोलर बियर्स की तरह पेंगुइन्स भी अच्छे स्विमर्स होते हैं। दियर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड दियर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। यानी कि पेंगुइन्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, स्ट्रीमलाइंड यानी कि फिश की तरह, और उनके जो पैर होते हैं उनमें वेब होते हैं, वेब यानी जाल की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि वो आसानी से स्विमिंग कर पाते हैं। इसके बाद हमें दिया गया है, अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्कोक्सेन, रेंडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स पोलर बियर और पेंगुइन्स के अलावा जो दूसरे एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं उनके नाम दिए गए हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग। इसका मतलब जो फिश होती हैं वो कोल्ड वाटर में भी लंबे समय के लिए रह सकती हैं। बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। लेकिन बर्ड्स को, पक्षियों को सर्वाइव करने के लिए, बचे रहने के लिए गर्म रहना जरूरी होता है। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। यहाँ पर माइग्रेट का मतलब है स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो जब विंटर सीजन आता है पोलर रीजन्स में, तो वहां पर जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो पोलर रीजन से माइग्रेट करते हैं, यानी वो दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसी जगह जो थोड़ी गर्म होती है पोलर रीजन के मुकाबले, या ये भी कह सकते हैं जो पोलर रीजन के मुकाबले कम ठंडी होती है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। और जब विंटर सीजन ओवर हो जाता है तो वो वापस पोलर रीजन में आ जाते हैं।
You know probably that India is one of the destinations of many of these birds. यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि पोलर रीजन से बहुत सारे बर्ड्स इंडिया में भी माइग्रेट होते हैं, यानी इंडिया में आते हैं और जब विंटर सीजन खत्म होता है तब वो वापस चले जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि आपने देखा होगा या सुना होगा साइबेरियन क्रेन के बारे में, जो कि साइबेरिया से आती है भारत में, राजस्थान के भरतपुर में और हरियाणा के सुल्तानपुर में। और जो बर्ड्स होते हैं जो कि पोलर रीजन से आते हैं, वो भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी आते हैं और भारत के दूसरे पार्ट्स में भी आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट्स कि जो पोलर रीजन्स के बर्ड्स होते हैं वो विंटर सीजन में माइग्रेट करते हैं दूसरी जगहों पर, और विंटर सीजन जब ओवर हो जाता है तो वो वापस पोलर रीजन्स में चले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है यहाँ पर जनरली हॉट क्लाइमेट रहता है, क्योंकि इसकी लोकेशन इक्वेटर के पास होती है और हम जानते हैं इक्वेटर के पास जो लोकेशन होती है वहाँ पर क्लाइमेट हॉट रहता है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सर्दियों के दिनों में भी जो टेम्परेचर होता है वो जनरली 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर मे क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। इसके बाद हमसे कहा गया है डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। यानी कि पूरे साल दिन और रात की जो लंबाई होती है वो एक समान रहती है, यानी कि इक्वल रहती है। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इन जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। इस रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हमें दिया गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये भारत में वेस्टर्न घाट्स और असम में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं और सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस वार्म्थ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ट्रॉपिकल रीजन में पूरे साल गर्मी रहती है और रेन होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत से प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। ये रीजन बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करता है, यानी एक अच्छी जगह प्रोवाइड करवाता है रहने के लिए। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। यहाँ पर हमें उन एनिमल्स के नाम बताए गए स्टूडेंट्स जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद हमें दिया गया है लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं इन्होंने अपने आप को हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने के लिए कैसे अडेप्ट किया है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट्स आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि रेन फॉरेस्ट की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है ये ऐसी होती है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में और अलग अलग प्रकार के एनिमल्स रह सकते हैं। सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि रेन फॉरेस्ट में बड़ी संख्या में एनिमल्स रहते हैं तो यहाँ पर फूड और शेल्टर के लिए, यानी खाने और रहने की जगह के लिए, जबरदस्त कंपटीशन होता है।
मैनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज, बहुत से एनिमल्स ने ट्रीज पे रहने के लिए खुद को एडेप्ट कर लिया है। रेड आइड फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। यानी कि जो रेड आइड फ्रॉग होता है, लाल आंखों वाला फ्रॉग, उसके पैरों पे स्टिकी पैड्स यानी कि चिपचिपे पैड्स डेवलप हो चुके हैं, जो उसकी मदद करते हैं पेड़ों पर चढ़ने पे, उन पेड़ों पे चढ़ने पे जिस पे कि वो रहते हैं। इसके बाद हमें दिया गया है, टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस। यानी कि पेड़ों पे रहने के लिए मंकीज की एक लॉन्ग टेल होती है यानी लंबी पूंछ होती है, जो उन्हें ब्रांचेस को पकड़ने में मदद करती है। यानी कि मंकीज अपनी पूंछ से ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं यानी कि टहनियों को पकड़ लेते हैं। दियर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन इजली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। के मंकीज के हैंड और उनके फीट, उनके हाथ और पैर ऐसे होते हैं जिससे कि वो आसानी से ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं यानी टहनियों को पकड़ लेते हैं। एज देयर इज कॉम्पिटिशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर एडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजिली रीचेबल। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि रेन फॉरेस्ट में खाने के लिए बहुत कंपटीशन होता है, तो कुछ एनिमल्स ने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया है कि जिन जगहों पर पहुंचना मुश्किल है वो वहां से भी खाना हासिल कर पाते हैं। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बर्ड ट्यूकन विच पोसेसेज अ लॉन्ग लार्ज बीक। यहाँ पर हमें एक बर्ड ट्यूकन के बारे में बताया गया है जिसकी लंबी और बड़ी चोंच होती है। दिस हेल्प्स अ ट्यूकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। हमें ये बताया गया स्टूडेंट्स कि ट्यूकन ऐसी ब्रांचेस के फ्रूट भी खा सकती है जिन पर चढ़ना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो ब्रांचेस इतनी कमजोर होती है कि अगर उस पर चढ़ा जाए तो वो ब्रांचेस टूट जाती हैं। तो ट्यूकन अपनी लंबी और बड़ी चोंच का इस्तेमाल करती हैं और बिना उन ब्रांचेस पर चढ़े उस ब्रांचेस के फ्रूट को खा सकती हैं। इसके बाद हमें दिया गया स्टूडेंट्स, मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमिफ्लाज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल एनिमल्स की कुछ विशेषताएं बताई गई है स्टूडेंट्स, कि ट्रॉपिकल एनिमल्स की जो हियरिंग पावर होती है वो सेंसिटिव होती है, उनकी आईसाइट शार्प होती है, थिक स्किन होती है और उनका स्किन कलर ऐसा होता है जो उनको छुपाए रखने में मदद करता है। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रिडेटर्स। इससे ये अपने आप को अपने शिकारियों से बचा सकते हैं जो इनको मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिग कैट्स, लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग। यहाँ पर हमें लायंस एंड टाइगर्स के बारे में बताया गया है कि उनकी थिक स्किन होती है यानी मोटी स्किन होती है और उनकी हियरिंग बहुत सेंसिटिव होती है यानी हल्की से हल्की आवाज को भी वो आसानी से सुन सकते हैं। द लायन टेल्ड मकाक ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर हमें मकाक, जिसको हम बियर्ड एप भी कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि इसकी शेर की तरह पूंछ होती है और ये वेस्टर्न घाट्स के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। इसका सबसे बढ़िया फीचर होता है स्टूडेंट्स इसके सिल्वर और सफेद बाल, जो इसके सर से होते हुए इसके गालों तक भी होते हैं और चिन तक भी होते हैं। इट इज अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। इसका मतलब यह है कि ये अच्छे क्लाइंबर होते हैं यानी पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं और इनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ये पेड़ पर ही गुजारते हैं। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स। इनका जो मेन खाना होता है वो फ्रूट्स होते हैं। इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। यानी कि फ्रूट्स के अलावा ये सीड्स को खाते हैं, यंग लीव्स को खाते हैं, स्टेम्स को खाते हैं, फ्लावर्स को खाते हैं और बर्ड्स को भी खाते हैं। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज।
ये जो बियर्ड एप होते हैं स्टूडेंट्स, जो पेड़ों की बार्क होती है उसके अंदर जो कीड़े होते हैं, ये उनको भी खाते हैं। सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशियंट फूड ऑन द ट्रीज, इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि बियर्ड एप्स को पेड़ों पर ही अच्छी खासी मात्रा में खाना मिल जाता है, तो बहुत कम ऐसा होता है जब ये पेड़ से नीचे उतरते हैं। अदरवाइज इनकी जिंदगी का एक बड़ा पार्ट ये पेड़ों पर ही गुजारते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। यानी कि भारत के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला एक और वेल नोन एनिमल है एलिफेंट। इट हैज अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि एलिफेंट्स ने रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए खुद को बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लिया है। लुक एट इट्स ट्रंक, इट यूजेज इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। आपने एलिफेंट की ट्रंक देखी होगी स्टूडेंट्स, यानी कि उसकी सूंड, इसे वो अपनी नाक की तरह इस्तेमाल करता है और जिसकी वजह से एलिफेंट की जो सेंस ऑफ स्मेल है यानी सूंघने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा होती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाई इट फॉर पिकिंग अप फूड। इसी ट्रंक का इस्तेमाल यानी इसी सूंड का इस्तेमाल एलिफेंट खाने को पिक करने के लिए यानी खाना हासिल करने के लिए भी करते हैं। मोर ओवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ। यहाँ पर हमें ये बताया गया स्टूडेंट्स कि जो एनिमल के टीथ होते हैं उनको हम टस्क कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एनिमल के ये दो टीथ यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये इनको टस्क कहा जाता है। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट। और इन टस्क का इस्तेमाल करके एलिफेंट्स ट्री की बार्क को काट सकते हैं जिन्हें खाना वो बेहद पसंद करते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रैदर वेल। तो ये जो एलिफेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ये रेन फॉरेस्ट में होने वाले फूड कॉम्पिटिशन को आसानी से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि इनकी हाइट भी काफी ज्यादा होती है तो इनको फूड कॉम्पिटिशन से ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। एलिफेंट के जो कान होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो इससे इसकी जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ये हल्की से हल्की आवाज को भी आसानी से सुन सकता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। यानी कि एलिफेंट के ये बड़े बड़े कान एलिफेंट को हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में भी कूल रहने में, ठंडा रहने में मदद करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।